देवाल विकास खंड के सीमांत क्षेत्र लोहागंज जिलाधिकारी आशीष जोशी की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में स्थानीय लोगों ने सड़क, पेयजल, शिक्षा, विद्युत, आवास, पेंशन, भूमि मुआवजा, देवी आपदा से जुड़ी 102 शिकायतें दर्ज की, जिसमें से 45 शिकायतों का जिलाधिकारी द्वारा शिविर में ही निस्तारण किया गया तथा अवशेष शिकायतों के शीघ्र निस्तारण हेतु संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। शिविर में बाल विकास भजन से रूपकुंड लोक कला मंच के कलाकारों द्वारा कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को रोकने तथा जिले में लिंगानुपात में सुधार लाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर नाटक मंचन कर लोगों को जागरूक किया गया। जिलाधिकारी ने जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की शिथिलता व लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिविर के दौरान क्षेत्रीय विधायक मगनलाल शाह एवं जिला पंचायत अध्यक्ष मुन्नी देवी शाह ने 16 लाभार्थियों को PMGP के तहत ढाबा, रेस्टोरेंट, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप एवं रिंगाल उद्योग की स्थापना के लिए उत्तराखंड ग्रामीण बैंक शाखा मुंदोली द्वारा स्वीकृत 46 लाख धनराशि के पत्र भी वितरित किए। इस अवसर पर DDO आनंद सिंह, तहसीलदार NN लाल भेतवाल, जिला समाज कल्याण अधिकारी सुरेंद्र लाल आदि जिला एवं तहसील प्रशासन के अधिकारी व भारी संख्या में स्थानीय जनता मौजूद रही। आप लोगों ने यहाँ पे रखी है, उसका हम लोग और जितने भी हमारे अधिकारी गण उसका त्वरित निदान करेंगे। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, आज करीबन जो शिविर लगा है उसमें करीबन 860 लोगों को इसका लाभ प्राप्त हुआ है। डिफरेंट कैटेगरी में वो प्रमाण पत्र है या उपचार है या पेंशन के आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो करीबन 860 लोगों को उसमें बेनिफिट हुआ है और 102 शिकायतें यहाँ पे आज दर्ज हुई हैं। हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो ये 102 शिकायतें दर्ज हुई हैं उनका हम जितना जल्दी हो सके, जैसे अभी अध्यक्ष जी ने भी कहा है कुछ का टाइम बाउंड मैनर होता है, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसका थोड़ा टाइम लगता है, पर हमारा प्रयास यही रहेगा कि जितना संभव हो सके जल्दी से जल्दी हम लोग इसका निदान निकाल सकें। मैं आप लोगों का पुनः धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि इस तरह का हम लोगों को पूर्ण सहयोग जैसा आज मिला है भविष्य में मिलता है। धन्यवाद।